जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा है, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक प्रोफेशनल सा लोगो कैसे क्रिएट किया जाता है, अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल सा लोगो कैसे बनाएं। लोगो हमारे चैनल की पहचान है, इससे ही ऑडियंस हमारे चैनल को पहचानती है और ज़्यादातर हमारे चैनल को लोगो ग्रो होने में थोड़ी बहुत मदद भी करता है। तो वीडियो को पूरा कम्प्लीटली वॉच करना, जब आप समझ पाओगे लोगो एक प्रोफेशनल सा लोगो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको पिक्सल ऐप पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसे ओपन करना है। तो जैसे कि मैं अपना पिक्सल ऐप ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले एक डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट लिखा रहा था वो हो चुका है हमारा यहाँ पर डिलीट। अब आपको क्या करना है, नीचे से आपको ये थर्ड में एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको उस पर टैप कर देना। मैं एरो लगा दूंगा तो आपको इस पर टैप कर देना है। तो जैसे ही आप टैप करोगे आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा नीचे की साइड। तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा होगा शेप्स, आपको शेप्स पर क्लिक कर देना है। शेप्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्वायर का स्क्वायर शेप बनकर आ चुकी है। अब इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक बॉटम में एक ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्क्वायर के, यहाँ पर आपको उस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको सर्कल सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आपने ज़्यादातर जानते ही होंगे आपके लोगो सर्कल में होता है, इसलिए सर्कल सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल में सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने हिसाब से इसे बड़ा कर लेना है। तो बड़ा छोटा जितने आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो मैंने सेट कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस सर्कल को आप कलर भी दे सकते हो, पर कलर मत देना, आप कलर दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट में अपने चैनल का नाम ऐड कर देना है। तो मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट चैनल का नाम कैसे ऐड करना है। तो आपको टॉप पर एक प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा तो एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा एक न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर टॉप में आपको एक पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक और पेंसिल का आइकन आ रहा है, तो हमें एक और पेंसिल के आइकन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, अभी न्यू टेक्स्ट लिखा है इसे आपको क्लियर कर देना है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ और जो भी आपके चैनल का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना। तो जैसे मैं अभी के लिए अपने चैनल का नाम एंटर कर देता हूँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम एंटर कर दिया। अब यहाँ पर टॉप पर एक ओके का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको ओके के ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो ओके के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपका टेक्स्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो भी आपने अपने चैनल का नाम डाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आपको इस टेक्स्ट पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको नीचे से एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेकंड में टेक्स्ट का, उस पर आपको टैप कर देना है। उस पर टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कलर, तो आपको कलर पर टैप कर देना है। कलर पर टैप करने के बाद आपके सामने कलर खुल के आ चुके हैं। अब इनमें से आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर येल्लो करना है येल्लो कर सकते हो, रेड करना है रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पर येल्लो सेलेक्ट कर लेता हूँ। येलो सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। अब हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको फॉन्ट पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके सामने इतना सारे इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपको अमरनाथ बोल्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ ये वाला कर लेना है सिलेक्ट। इन दोनों में से आपको कोई एक कर देना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कैसा लग रहा है। ये सही लग रहा है मुझे, तो मैं इसे अपने हिसाब से कर लेता हूँ सेट। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम सेट कर लिया चैनल का। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको अपना फोटो यहाँ पर लगा देना है। तो फोटो लगाने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जो मैं बता देता हूँ, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करता हूँ तो मेरी गैलरी के सारे फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है।
तो मैंने अपना यहाँ पर एक फोटो सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक राइट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको राइट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। राइट के ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इस फोटो को अपने हिसाब से थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर सेट कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर सेट कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, तो ये टेक्स्ट जो हमारा है, चैनल का नाम है, वो अभी कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आपको उस टेक्स्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको साइड में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रोक का। आपको स्ट्रोक पर टैप करके इनेबल कर लेना है। तो ये देखो थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब इसके बाद आपको राइट पर टैप करना है। राइट पर टैप करने के बाद आपको शैडो पर क्लिक करके शैडो को भी इनेबल कर लेना है। तो इसको इनेबल करने के बाद आपको इस पर राइट कर देना है। तो आपका देखो टेक्स्ट पहले कैसे था और अब कैसे था, आप देखो इसमें फर्क आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद इमेज भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो इमेज में भी हम ये सेम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए इमेज पर टाइप करके यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करेंगे, इसका भी स्टॉक हम इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद हम इसको भी शैडो दे देंगे यहाँ पर। इस प्रकार ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक YouTube के लोगो की। तो लोगो लगाने के लिए हमें प्लस के आइकन पर फिर से टाइप करना है। आपको ये लोगो Google पर आसानी से मिल जाएगा, तो आप Google से डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर होम गैलरी पर टैप करना है, फिर आपको यहाँ पर YouTube का लोगो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया है, फिर राइट पर क्लिक करके यहाँ पर मेरा लोगो आ चुका है। अब इसे आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे थोड़ा लगा देता हूँ। फिर मैंने इस प्रकार कुछ यहाँ पर सेट कर दिया, तो इसको भी मैं स्ट्रोक और शैडो दे देता हूँ। स्ट्रोक और शैडो देने के बाद ये भी कुछ इस प्रकार लगने लग गया है। अब आपको दूसरा काम करना है, यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऐड करना है। जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है उसके बारे में आपको यहाँ ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो प्लस के आइकन पर टैप करके, टेक्स्ट पर टैप करके, पेंसिल के आइकन पर टैप करना है आपको। फिर एक और पेंसिल के आइकन पर टैप करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक सेलेक्ट कर लिया, लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लूँगा। तो कलर चेंज करने के लिए यहीं पर टैप करना है, फिर आपको स्क्रॉल करके कलर पर टैप करके आपको कलर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, येल्लो नहीं, दूसरा कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं अभी के लिए ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ब्लू वाला। तो ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा क्लिक कर देना है। फिर आपको मैं इसको भी स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक और शैडो। तो मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर सेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा लोगो बनकर हो चुका है तैयार। अब इसे हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सेव के ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको सेव एस इमेज पर क्लिक कर देना है। सेव एस इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट, आपको ये डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको डिफ़ॉल्ट पे टैप करना है। डिफ़ॉल्ट पे टैप करने के बाद आपको अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर लेना है। अल्ट्रा पे सिलेक्ट करने से आपकी जो लोगो की क्वालिटी है ना, वो अल्ट्रा हो जाएगी, मतलब हाई क्वालिटी में आ जाएगी, जो कि अच्छा लगेगा। इसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर टैप कर देना है। सेव टू गैलरी पर आप टैप करोगे तो आपकी इमेज जो सेव हो चुकी है। तो जो लोगो अभी मैंने क्रिएट किया था वो सेव करने के बाद मेरी गैलरी में आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार का वो लग रहा है। तो इसे अब ये आप YouTube पर अपने कहीं पर भी लगा सकते हो। आई होप मैं इस वीडियो में जो भी आपको सिखाना चाहता था वो तो आप सीख गए होंगे। मोबाइल से एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाया जाता है ये तो आप सीख ही गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।